दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल चंद्ररेखा एंड कृषांक, चंद्रकांत एंड रेखा, दैट्स व्हाई चंद्ररेखा एंड कृषांक हमारा बच्चा है, तो इसीलिए हमने ये चैनल का नाम चंद्ररेखा एंड कृषांक दिया है। एक्चुअली आज पापा ने दिए हैं पैसे मेरे कपड़े, इनके कपड़े और कृषांक के कपड़े लेने के लिए, सो हम कपड़े लेने के लिए आए हैं, बट थोड़े जल्दी आ गए है ना। जल्दी आए तो सोचा कि आसपास कहीं जाके आते हैं, तो अभी हम तलेटी रोड पर है, तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर कुछ, और रिक्शा का आवाज आ रहा है, इग्नोर करना क्योंकि रास्ते में भी ऐसा कुछ होता ही रहता है। तो चलो हम मिलते हैं आप लोगों से, ऊपर कुछ जाते हैं ना, और चलो फिर हम शॉपिंग भी करेंगे। शॉपिंग करने बाजार जाना है, इससे पहले हम ऊपर कोट जाते हैं, जल्दी वीडियो बना देंगे क्योंकि हमें मोस्ट तो हम पहले यहाँ पे आए हैं शॉपिंग करने के लिए, सो पहले शॉपिंग भी करनी है, सो पहले ऊपर कोट जाके पूरा है वक्त, तो हाँ वहाँ पे जो भी है वो आपको दिखाने का ट्राई करेंगे। उसके बाद बाजार जाना है, कृष्ण के लिए कपड़े लेना है, अगर इनको कुछ पसंद आता है तो वो ले दूंगा। हाँ पैसे पापा ने, मुझे नहीं लेना, ऑलरेडी मैं ऑनलाइन से ले लूंगा, और मेरे और कृष्ण के हम सोच रहे मेरे और कृष्ण के मिले तो कृष्ण के तो लेने ही है, और मेरे अच्छे मिले जूनागढ़ से देखते तो अच्छे मिलेंगे तो ले ही लेंगे, और चलो मिलते हैं ऊपर कोट जाके। देखो ये आसपास तड़ेटी रोड है, तो आसपास डूंगर ही है, पर्वत ही है, जाए ऊपर तो बहुत ही अच्छा व्यू है देखिए, और पीछे नारियल है तो हम लोगों ने पिया और हम लोग अभी जा रहे हैं। बहुत अच्छा था, हाँ वो भैया अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। हम लोग स्कूटी लेके आए, आज गाड़ी नहीं लेके आए क्योंकि बाजार में घूमना है तो वहाँ पे अंदर ट्रैफिक रहता है। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली मैंने बहुत साल गुजारे हैं, प्रॉपर जूनागढ़ में भी 5 साल निकाले हम लोगों ने, उसके बाद पापा की बदली बैसान हुई तो बैसान चले गए हम लोग, तो इसके बाद हम लोग खुद बाहर चले गए दाहोद जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो जब भी टाइम मिलता है यहाँ पे आते हैं और ये सारी जगह पे हम घूमते हैं। और गाइस मुझे अब हम जा रहे हैं ऊपर कोट, तो मिलते हैं, चलो आगे वहाँ पे ही मिलते हैं, चलो। और ये जिस तरफ दिखा रहा हूँ वहाँ तलेटी जा सकते हैं, देन ऊपर गिरनार जा सकते हैं, वहाँ रोप वे ऑप्शन है और स्टेप ऑप्शन है। हाय, चलो चले, लेट हो जाएंगे, चलो। सो गाइस हम यहाँ पे आए थे, बट यहाँ पे काम चालू है, और कहाँ तक चालू रह गए, शायद 2 साल तक काम चालू रहने वाला है, तो हम तब तक तो यहाँ आएंगे नहीं, और मेरे पापा की भी बदली हो जाएगी, वो रिटायर हो जाएंगे, तो सो फिर हम कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे। चलो गाइज अभी बंद है, यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैंने इंक्वायरी किया, उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि 1.5 से 2 साल तक रिनोवेशन का काम चलेगा, तो तब तक ये बंद है। हमने सोचा था कि यहाँ पे विजिट करके आपको दिखाते हैं, तो बट अभी बंद है, तो आपको बाद में कभी दिखाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको स्टेप्स दिख रही है वो अड़ीकड़ी वाव है, देन यहाँ पे रानक महल है ये वाला, देन ये किले की दीवार देख सकते हो, देन ये वाली अड़ीकड़ी वाव है, तो बहुत सारी चीज है और अच्छी अच्छी चीज है, बट हम लोग नहीं जा पाए तो आपको बाद में कभी दिखाएंगे, स्पेशली आएंगे तब, तब तक के लिए दूसरी जगह चलते हैं, चलो। तो ऊपर कोट बंद था तो अब हमने प्लान चेंज कर दिया है, और अब हम जा रहे हैं विलिंग डैम, वहाँ पे जा रहे हैं ना, बस वहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, हाँ तो वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ से हम जाएंगे बाजार, बाजार का भी 1.5 घंटे का ही काम है, और बाद में हम जाएंगे घर पे, और कृष्ण को हम लेके नहीं आए क्योंकि वो बोल रहा था मुझे नहीं आना, क्योंकि कल वो थक गया था, और वैसे भी क्या है कि उसे दादा दादी के पास बहुत अच्छा लगता है, और वो पापा के साथ ऑफिस ही गया था, तो वो बोल रहा था मुझे नहीं आना, और हमारा प्रोग्राम तो चेंज हो गया,
सो फिर हमने सोचा कि हम बस यहाँ पे आते हैं। इन्होंने बोला, मैंने बोला कि कोई जगह हो तो बताओ, सो इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक और जगह है, मैं आई हूँ बट मैं तो भूल गई थी। सो इन्होंने बोला कि यहाँ पे जाते हैं, तो चलो मैंने बोला चलो है टाइम तो फिर इसका क्या कर लेते हैं, सदुपयोग सदुपयोग कर ही लेते हैं। सो हम जा रहे हैं विलिंगर डैम, और अच्छा हुआ कि यहाँ पे आए हैं ना, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा। ये बहुत पुरानी जगह, बहुत पुराना डैम है, और दादा तो इस बार नहीं जा पाएंगे, टाइम कम है उसकी वजह से। बट आपको उसके नीचे जहाँ से स्टेप स्टार्ट होते हैं वहाँ पे ही विलिंगर डैम बना हुआ है। तो मंकी फैमिली ऑफ मंकी, वो कितना छोटा है, और एक हो रहा देखो दूसरा भी है, और अंदर बहुत सारे हैं, वो नहीं दिख रहे। चलो आगे, चलो चलो बाय मंकी। स्टेप है वहां से जा सकते हैं, चलो आगे चलो। गाइस मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई भी हाइट पे होती हूँ तो मुझे डर बहुत लगता है, तो मैं बीच में ही चल रही हूँ और मैं ऐसी हूँ, और ऐसी जगहों पे मुझे डर ज्यादा लगता है। और मैं चल रही हूँ आगे आगे, और मुझे क्या है यहाँ पे हाइट ज्यादा है, दिखा रही हूँ, दिखाऊँ आपको, ये देखो। ऐसा देखना तो मुझे अच्छा लगता है बट इश्यू ये होता है कि मुझे हाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो चलो हम चलते हैं, वापस जाते हैं। और हमारे यहाँ आने का तो कोई प्लान ही नहीं था, ऊपर कोट बंद था, तो हम इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं एक और जगह है, और यहाँ पे मैं भी आई हूँ, फिर हम यहाँ पे आए तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे आए, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। सो चलो मिलते हैं आगे। गाइज ये सामने जो दो पर्वत के बीच में आपको दिख रहा है छोटा सा, वो गिरनार है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए जहाँ हम जाके आए हो ऑलरेडी, और उसके बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो, और देखो ये आपको दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो जैसे हम लोग आगे आए, यहाँ पे कावा मिल रहा था तो रेखा को पीना था, इसको काढ़ा भी बोल सकते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि वो गर्म गर्म बना के देते हैं और अच्छा लगता है उसको। और ये लोग क्या करते हैं, पहले से ही ग्रीन कॉफ़ी डाल के उबाल के रखते हैं, और बाद में उसमें काली मिर्च, अदरक, पुदीना, नमक और नींबू डालते हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है और स्पाइसी भी होता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा, मैं जब भी आती हूँ तब ये पीती ही हूँ, और मुझे ये पी के बहुत ही अच्छा लगा। गाइज अब हम लोग जा रहे हैं, आज का वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।